Good morning, everyone. How are you all? Fine? Very good. Okay, as you know, we have completed our PT3 syllabus. Now we will start our PT4 syllabus. So, in the PT4 syllabus, first of all, we read our first chapter. The chapter is 9. Chapter number is 9. 5 spoons of salt. Okay. अभी इसमें जो स्टोरी है वो एक लड़की की स्टोरी है. देयर इज अ गर्ल जो कि हर चीजें भूल जाती है. उसको जो काम दिया जाता है वो क्या करती है, वो भूल जाती है उसको, और वो अपने दूसरे ही किसी काम में मगन हो जाती है. उसको अगर कोई काम सौंपा जाए तो वो क्या करती है, उसको भूल करके अपने दोस्तों के साथ बातें करने लग जाती है या इधर उधर घूमने शुरू हो जाती है. सो लेट्स स्टार्ट. गीता वॉज अ फॉरगेटफुल गर्ल. जैसा मैंने बताया, बहुत ही भुलक्कड़ है वो. क्या है, हर चीजें क्या करती है, भूल जाती है. ठीक है, उसको मतलब कोई भी जिम्मेदारी वाला काम दिया जाए तो वो उसको नहीं करती है. सो शी वुड सेट आउट टू बाय अज्जा मेडिसिन फॉर हिज हेडेक बट स्टॉप टू टॉक टू हर फ्रेंड्स ऑन द वे. अभी क्या है, जो ये लड़की है इसको क्या बोला गया था कि अपने दादाजी की क्या लिया है, मेडिसिन को लेकर आ जाए. बट उसने क्या करा, बट टू स्टॉप टू टॉक हर फ्रेंड्स, बट वो उस चीज को भूलकर अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करने चली जाती है. ओनली वेन द स्काई ग्रू डार्क एंड इट वॉज टाइम टू रिटर्न होम. क्या हुआ, जब बिल्कुल अंधेरा होने लग गया और घर लौटने का टाइम हुआ, वुड शी रिमेम्बर अज्जास मेडिसिन. और अज्जा यहाँ पे कौन होता है, ये जो ग्रैंडफादर है उनको कहा गया है. ठीक है, तो वो जो जब अंधेरा होने लगा तब उसे याद आया कि उसे अपने दादाजी की क्या लेनी थी, मेडिसिन लेनी थी. बट दैट टाइम द शॉप वुड बी क्लोज. बट शाम हो चुकी थी और जो दुकान थी वो क्या हुई थी, बंद हो चुकी थी. इफ अम्मा आस्क्ड हर टू कलेक्ट द क्लोथ्स, मतलब उसका करेक्टर बता रहे हैं कि वो कैसी थी, कि जब उसकी दादी जो थी उसको कभी कोई काम बोल दे, जैसे कि उसकी दादी ने बोला, इफ अम्मा आस्क्ड हर टू कलेक्ट द क्लोथ्स फ्रॉम द वॉशिंग लाइन शी वुड रिमेम्बर टू डू इट ओनली द नेक्स्ट डे. मतलब अगर उसकी दादी उसको कपड़े उतारने के लिए बोल देती थी तो वो क्या करती थी, उस दिन तो उसने भूल ही जाना था, वो नेक्स्ट डे क्या करती थी, उनको उठाती थी. बट दे वुड बी वेट अगेन बिकॉज ऑफ द ओवर नाइट रेन. पर कभी कभी क्या होता था, जब वो कपड़े उतारना भूल जाती थी तो वो क्या होते थे, रात में बारिश की वजह से गीले हो जाते थे. ओके, यहाँ पे अम्मा कौन है, दादी. ठीक है, सो वंस व्हेन अप्पा वॉज इन अ हरी एंड आस्क्ड हर टू आयरन हिज शर्ट. एक बार जो अप्पा हैं, अप्पा कौन हुए, फादर होते हैं. ठीक है, ये नॉर्थ साइड में या सॉरी साउथ साइड में हम इस तरह से अपने जो घर वाले होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको बोलते हैं. सो अप्पा जो थे वो फादर थे, वो उन्होंने एक दिन उसको अपने शर्ट के ऊपर प्रेस करने के लिए बोला, आयरन करने के लिए बोला. शी फॉरगॉट अबाउट इट, वो भूल गई उसके बारे में. एंड वेंट टू सी द फ्रूट सेलर, और वो जो ये जो फल बेचने वाले होते हैं उनके पास चली गई टू पिक आउट सम जूसी मैंगोज. क्या लेने गई, कि वहां से मैं अच्छे फ्रूट सेलर के पास से अच्छे अच्छे जिसमें ज्यादा रस होता है वो वाले मैंगो मैं ले लेती हूँ. सो वो अपने अप्पा की शर्ट को प्रेस करना भूल गई. ठीक है, वन डे गीता केम होम फ्रॉम स्कूल एंड अनाउंस दैट हर क्लास वॉज गोइंग ऑन अ पिकनिक नेक्स्ट डे. ठीक है, एक दिन गीता क्या करती है, आती है स्कूल से और सबको अनाउंस्ड मतलब जोर जोर से बताती है कि मुझे कल पिकनिक जाना है. द टीचर हैड आस्क्ड ईच स्टूडेंट्स टू ब्रिंग वन फूड आइटम फ्रॉम होम. मतलब टीचर ने सबको, जैसे हम भी पिकनिक पे जाते हैं तो घर से कुछ ना कुछ बना के ले जाते हैं, सेम ऐसे ही उनकी टीचर ने भी कहा था कि आप सबने क्या करना है, टिफिन बनाकर लेके आना है, कुछ भी अपने पसंद का. गीता हैड टू टेक सांभर. अब गीता ने क्या प्लान किया कि मैं सांभर लेके जाऊंगी. सो दिस वुड बी शेयर्ड एट लंच बाय एवरीवन, और वो मतलब उसको सबके साथ शेयर करेगी. ओब्वियसली जब हम पिकनिक पे जाते हैं या कहीं भी विजिट करने जाते हैं तो हम अपना टिफिन सबके साथ शेयर करके खाते हैं, सेम ऐसी था.
अम्मा एग्री टू मेक अ बिग पॉट ऑफ हर टेस्टी सांभर। अब जो उसकी अम्मा मीन्स मम्मी थी, वो रेडी हो गई कि वो बड़े से पॉट में, वो बड़े से बर्तन में उसके लिए सांभर बनाएंगी। टेस्टी सांभर फॉर गीता टू टेक ऑन द पिकनिक, पिकनिक पर ले जाने के लिए। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले मॉर्निंग में क्या होता है, अम्मा वोक अप अर्ली टू मेक द सांभर। अम्मा जल्दी उठ जाती है, उसकी मम्मी, शी कुक्ड द दाल, दाल बनाती है, एडेड द वेजिटेबल। ये आपको रेसिपी बता रहे हैं कि सांभर कैसे बनता है, ओके। वो दाल उबालती हैं, उसमें वेजिटेबल्स डालती हैं, कोकोनट डालती हैं और स्पाइसेस मीन्स मसाले डालती हैं, सांभर मसाले, एंड लेफ्ट द पॉट ऑन द स्टोव टू बॉयल। और गैस पर या स्टोव बोलते हैं, उस पर रख के रख देती हैं कि वो बॉयल होए। फिर वो देन शी कॉल टू गीता, वो गीता को आवाज़ लगाती हैं, गीता आई एम गोइंग टू टेम्पल, मैं मंदिर जा रही हूँ। आफ्टर सम टाइम एड 5 teaspoons ऑफ सॉल्ट टू द सांभर। आप सांभर, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखने वाली बात है कि वो गीता को क्या कह के जाती है कि सांभर में 5 चम्मच नमक डाल देना, डोंट फॉरगेट, साथ बोल के जाती है, भूलना नहीं। वेक अप नाउ एंड गेट रेडी क्विकली, कहती है जल्दी से उठो और पिकनिक पे जाने के लिए रेडी हो जाओ। सो अज्जी हू वॉज इन द नेक्स्ट रूम थॉट, जो अज्जी थी, जो उसके मतलब ग्रैंडफादर थे, फादर थे, हु वॉज इन द नेक्स्ट रूम थॉट, उन्होंने सोचा, दैट गर्ल विल नेवर रिमेम्बर टू पुट इन द पुट सॉल्ट, मतलब तो जो उसके दादाजी थे उन्होंने सोचा कि ये लड़की तो भूल जाती है हर काम और ये नमक डालना भी भूल जाएगी। सो शी वेंट सॉरी उसकी दादी ने ऐसा सोचा, सो शी वेंट इन टू द किचन एंड एडेड 5 spoons ऑफ सॉल्ट टू द पॉट, और उन्होंने सांभर में 5 चम्मच नमक डाल दिया। अज्जा, अब दादाजी आए, हु वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर इन द वरांडा, जो कि न्यूज पेपर पढ़ रहे थे। थॉट ऑफ द डे वेन गीता फॉरगॉट हिज मेडिसिन, उनको वही बात याद आ गई कि गीता उनकी दवाइयां तक तो उस दिन लाना भूल गई थी। सो ही वेंट टू द किचन एंड एडेड 5 spoons ऑफ सॉल्ट टू द सांभर हिमसेल्फ। अब उन्होंने सोचा, दादी ने सोचा है कि ये तो सारे काम भूलती है, मैं डाल देती हूँ। दादाजी ने सोचा ये मेडिसिन तक तो मेरी लाना भूल गई थी, चलो मैं डाल देता हूँ, उन्होंने भी डाल दी। अभी कितनी होगी, उसकी मम्मी ने 5 बोली थी, उसके मम्मी ने 5 बोली थी, दादी ने 5 डाल दी, दादू ने 5 डाल दी, तो 10 spoon ऑलरेडी डल चुके हैं। अब आगे आते हैं हम, ठीक है। गीता सिस्टर माला, ठीक है, गीता की जो सिस्टर थी माला, हु वॉज गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल, हैड हर्ड अम्मास इंस्ट्रक्शंस। अब उसने भी क्या कर रहे थे, उसकी बहन जो स्कूल के लिए रेडी हो रही थी, उसने भी यही सुन ली थी इस बात को, और उसको भी पता था कि मेरी सिस्टर जो है वो भूल जाती है हर काम को, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ही इसमें नमक डाल देती हूँ। शी हरिड इन टू द किचन एंड एडेड 5 spoons ऑफ सॉल्ट टू द सांभर। सोचो अब उसमें 15 चम्मच उसमें डल चुका है, मीन्स 10 उन्होंने, 5 उन्होंने डाला दादी ने, 5 दादू ने और 5 उसके सिस्टर ने। सोचो क्या सांभर की तो क्या हाल हुई होगी। अप्पा वॉज केयरफुली आइनिंग हिज शर्ट इन द फ्रंट ऑफ रूम, ही टू वेंट इन टू द किचन एंड एडेड सॉल्ट टू द सांभर। अब उसके पापा ने भी प्रेस करते करते, आयरन करते करते अपनी शर्ट को ये बात सुनी थी कि उसमें डालने, उनको भी पता था कि ये जो गीता है वो हर चीज भूल जाती है, तो उन्होंने भी उसमें 5 चम्मच नमक डाल दिया। अभी 20 spoons ऑफ सॉल्ट उसमें ऐड हो चुका है। सो बाय नाउ, इसीलिए हमें हमेशा अलर्ट और एक्टिव रहना चाहिए। सो बाय नाउ गीता वॉज रेडी टू लीव फॉर स्कूल। अब गीता भी उठ के तैयार वगैरह हो गई और स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई। शी रिमेम्बर्ड दैट शी हैड टू एड 5 spoons ऑफ सॉल्ट टू द सांभर। अब उसको भी याद आया कि मम्मी ने मुझे क्या बोला था, इसमें 5 चम्मच नमक डाल देना। अम्मा रिटर्न फ्रॉम द टेम्पल एंड सॉ गीता इन द किचन, शी क्विकली प्रूव द सांभर इन टू अ बिग कंटेनर, सॉरी क्विकली पोर्ड द सांभर
into a big container and sent Geeta off for the picnic. अब जब मम्मा जो थी वो टेम्पल से लौटी और उन्होंने देखा कि गीता ऑलरेडी किचन में खड़ी हुई है, तो उसने उसकी मम्मा ने सोचा कि हाँ ये नमक डालने के लिए ही खड़ी हुई है. सो दैट आफ्टरनून अब वो पिकनिक के लिए गीता चली जाती है. फिर दिन का टाइम होता है. द चिल्ड्रन सेट डाउन टू ईट हंग्रीली. अब बच्चों को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है पिकनिक पे. अब भाई क्या होता है, एज सून एज द फर्स्ट पर्सन टेस्टेड द सांबर, जैसे ही पहला बच्चा उस सांबर को टेस्ट करता है, ही शाउटेड, जोर से चिल्लाता है, वॉटर. गीता सॉ अदर पीपल पुश गीता सॉ अदर पीपल पुश पुश अवे द सांबर, मतलब दूसरा भी मतलब एकदम दूर करता है, धक्का मार देता है, नहीं खा जैसे थाली आगे कर देते ना वैसे करता है. शी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग. वो उसको मतलब समझ में नहीं आया है कि सांबर में ऐसा क्या है, क्या हो क्या रहा है, ऐसा सोचती है. देन शी टेस्टेड द सांबर हर्सेल्फ, फिर वो खुद खाती है सांबर हर्सल. इट वॉज एज इफ ऑल द सॉल्ट इन द सी हैड बीन पोर्ड इन टू द सांबर. मतलब सांबर को खाके सोचो 5 सॉल्ट की नीड थी उसमें और 20 से 25 तक स्पून ऑफ सॉल्ट उसमें एड हो गया, तो सोचो वो सांबर रह गया. तो गीता को कैसा लगा खाके, ऐसा लगा जैसे कि सारे के समुद्र में जितना भी समुद्र में सॉल्ट था वो सारा का सारा उसी सांभर में आ गया है. गीता रैन होम, गीता भागी वहां से घर की तरफ दैट इवनिंग एंड बर्स्ट इनटू द टेयर्स, और रोती हुई आई. डिड एनीवन एल्स एड सॉल्ट टू द सांभर, पूछती है जोर से, क्या किसी और ने भी इसमें नमक डाला था. शी आस्क्ड, जोर से पूछती है. I did, said Ajji, I did too, said Papa. सब बोलते हैं, दादा दादी सब बोलते हैं, हाँ मैंने भी डाला था, इन सरप्राइज ही. सो डिड आई, सेड अज्जा, दादाजी ने भी डाला. मी टू, सेड माला, उसकी बहन कहती है मैंने भी डाला. वाई डिड यू ऑल डू इट, अम्मा टोल्ड ओनली मी, कहते तुम सबने क्यों डाला जब अम्मा ने सिर्फ मुझे बोला था. मम्मी ने क्राइड, गीता रोती है. एवरी वन फेल्ट बैड फॉर हर, और सबको ही बुरा लगता है उसके लिए कि उसकी मतलब एज ए इंसल्ट ही हुई और वहां पिकनिक पे सबके सामने उसकी. सो अम्मा वाइप्ड हर टेयर्स, अम्मा जो थी अम्मा ने उसके जो थे आंसू पोंछे. नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी रिस्पॉन्सिबल वाइल डूइंग वर्क. मतलब वो कहती है कि पता चला अब हमें क्यों हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. आपको पता है ना गीता कितनी इरिस्पॉन्सिबल थी, वो किसी काम को सीरियस नहीं लेती थी. अगर वो लेती होती, अगर उसका नेचर सबको पता होता है ना, तो कोई भी ना डालता. सब सोचते कि गीता अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर लेगी, तो कोई ऐसा ना करता. गीता नोडेड, गीता ने सर हिलाया. शी चेंज्ड आफ्टर दैट, फिर उसके बाद वो चेंज हो गई. एंड सून आफ्टरवर्ड्स, फिर बहुत ही जल्दी हर फ्रेंड्स केम होम. फिर उसने अपने सारे दोस्तों को क्या करा, लंच पे बुलाया. अपने सारे दोस्तों को लंच पे बुलाया वन डे एंड एग्रीड दैट. फिर उसने कबूला, यस अम्मा सांबर वॉज द टेस्ट. मतलब सबने मतलब इस चीज को रियलाइज किया. उस समय तो सबको लगा ना इसका सांबर अच्छा नहीं है इतना, मतलब सबको सबने उसकी इंसल्ट की होगी. लेकिन जब उसने अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाया और अम्मा ने फिर से उसकी मम्मा ने वो सांबर बनाया, तो ये प्रूफ हो गया कि अम्मा का जो सांबर है वॉज द टेस्टीएस्ट दे हैड एवर ईटन. मतलब इससे पहले ऐसा सांबर कभी किसी ने नहीं खाया. सो इस स्टोरी से हमें यही सीखना चाहिए कि हमें अपना सारा काम, चाहे हम काम कम करें लेकिन जितना करें उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें. ओके, सो रीड दिस चैप्टर अगेन एंड एंजॉय.